डेविड, आज तुम्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। डेविड, मैं अनाथ हूँ, मुझसे यहाँ कोई मिलने नहीं आता, तुम तो कभी कभी आया करना। डेविड, हमको फांसी का हुक्म हुई गवाह है, हमारे जोरो अभी जवान है, उनको कहीं देना को कोनो दूसरी शादी कर ले और खुशी खुशी जिंदगी बिताए। यहां दस्तखत कर दो। इतने सालों तक तुमने जो यहां काम किया है ये उसकी मजदूरी है। ये तुम्हारा पर्स और ये तुम्हारे गले की चेन। जेल में गुनाहगारों को सिर्फ सजा देने के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें अपने गुनाहों का एहसास दिलाने के लिए और उन्हें पछताने का मौका देने के लिए रखा जाता है। बजाय इसके कि हम तुम्हें सुधारें, बेहतर यही होगा कि तुम लोग खुद सुधर जाओ। डेविड, तुम्हारी सारी जवानी जेल में गुजर गई, अब कम से कम खुदा के इस पाक दरबार में तुम मेरी को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? जी हाँ। मेरी, तुम पीटर को अपना पति स्वीकार करती हो? जी नहीं। मेरी, ये क्या बक रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे मौके पर प्लीज, तुम किसी और से शादी करना चाहती हो? हाँ फादर, मैं डेविड से शादी करना चाहती हूँ। मेरी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? ये अनपढ़ गंवार तुम्हें क्या सुख दे सकता है? एक पैसा कमाने की तो लियाकत नहीं है इसमें। अगर तूने इससे शादी की तो मैं अपनी दौलत जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये लीजिए, मुझे आपकी दौलत जायदाद नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा पति चाहिए। उसके लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। फूट गई तेरी तकदीर, चलो सब लोग। Oh,
शादी हुआ ना अपन उस खुशी में दोनों टांग जास्ती चाह लिया पता ही नहीं लगा कब पलंग के नीचे चला गया अभी अभी आंख खुली है। अरे अरे अबे अच्छा हुआ तेरी आंख अभी खुली, आधे घंटे बाद खुलती ना तो मेरी तुझे और मुझे झाड़ू मार के बाहर निकाल देती। क्यों कुछ होने वाला है क्या? अबे साले सुबह शादी हुई रात को यहाँ क्या होने वाला पूछने का मतलब? अपन सोचा अपन के लिए फूल लगा तेरे लिए लगा, तू चल बाहर जाके सो जा। अरे बाहर कहाँ भेजता है, अभी बरसात होने वाली है। ऐसा करते हैं तुम दोनों यहाँ सो जाओ, मैं उस तरफ सो जाता हूँ, मुड़ के नहीं देखूंगा। अरे अरे मेरी आजा इधर, सब एकदम तैयार है। ऐसे ठीक है, इधर आओ। ये किताबें कैसी हैं? ये वो अच्छा वो आजकल सुहागरात तो भी किताबें निकलते क्या? देखे 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 फोटो है क्या? फोटो ये क्या है? तुमको दूसरी किताब मालूम पड़ती? ये वो किताब नहीं है, एबीसीडी की किताब है। एबीसीडी नहीं, नहीं नहीं, दूल्हा दुल्हन को तो कुछ दूसरी पढ़ाई करनी चाहिए ना। दूसरी पढ़ाई अभी नहीं। क्यों भूल गए? सुबह चर्च में डैडी ने कैसे कैसे ताने दिए थे तुम्हें? अरे चर्च में सुबह डैडी बहुत कुछ बड़बड़ाए थे, उनको मारो गोली अभी, अभी, अभी। तुम्हें शायद अपनी बेइज्जती की परवाह ना हो, लेकिन मुझे है। मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। अभी सबक शुरू करते हैं, बोलो। ए फॉर एप्पल, बोलो। ए फॉर एप्पल। क्या मेरी अभी क्या सिर्फ यही सबक सीखना पड़ेगा? हाँ अभी सिर्फ यही सबक सीखने का है, ए फॉर एप्पल। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि सुबह सवेरे 6 बजे ताजे दिमाग से शुरू करें तो अच्छा नहीं रहेगा? ताजे दिमाग से शुरू करना है तो अभी भी शुरू कर सकते हैं, ए फॉर एप्पल। अच्छा 6 बजे नहीं 3 बजे, ए फॉर एप्पल। अच्छा ना 6 बजे ना 3 बजे, तुम सिर्फ मुझे 1 घंटा दे दो, फिर देखना मैं कैसे फर्राटे से कैसे। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो अभी से तुम सबक सीखना शुरू करो, बोलो। ए फॉर एप्पल। मुंह से बोलो एप्पल। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बेड, बेड बेड। बी फॉर बेड, बी फॉर बेड। सी फॉर चेयर, चाइल्ड माने बच्चा। एप्पल इस्तेमाल नहीं हुआ, बच्चा कहां से आ गया? मैं नहीं बोलता। हंसदी हंसदी, इसका मतलब तुम्हें भी बच्चा पसंद है। ठीक है ठीक है ठीक है, उठो। नहीं ये अच्छी जगह है, यहीं से सीख लेंगे ना। उठो ना, अब बोलो। A for apple. B for apple. B for bed. B for bed. C. ये क्या हो गया? आवाज क्यों बदल गई? अभी तक तो शर्मिंदा तुम्हारी वजह से बेचारा हो गया। किस तरह शर्मिंदा करोगे तुम? I will beat you. मतलब? मतलब I will, मैं तुम्हें beat you मारूंगी। मैं तुम्हें? I will. हाँ. Beat you. मैं तुम्हें। I will. Right. I will. Beat you.
मैं तुम्हें आई विल रेप यू। ये अंग्रेजी कहां से सीख ली? ये अंग्रेजी कहां है तो फिल्मों में देखते रहते हैं, वहीं से मालूम पड़ गया। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो सब सीख ली है। जो चाहिए वो तो तुम सिखाती नहीं हो। ये सब छोड़ो, अब बोलो। डी फॉर डार्कनेस। डार्कनेस मतलब? डार्कनेस मतलब अंधेरा। अंधेरा? हाँ हाँ अंधेरा, हाँ हाँ अंधेरा, ये बिल्कुल ठीक है। देखो एप्पल है, बेड है, चाइल्ड बाद में आएगा, अभी अंधेरा कर देना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? हटो, हटो ना, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। कुछ नहीं हटाऊंगा। खुदा पाक का नुमाइंदा होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा कन्फेशन सुनूं और खुदा से तुम्हारी माफी के लिए दरख्वास्त करूं। बोलो बोलो, क्या गुनाह किया है तुमने? मैंने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया फादर, लेकिन अब मैं 3 कत्ल करने जा रहा हूं। यहां लोग कन्फेशन करके अपने गुनाह बख्शवाने आते हैं, लेकिन तुम तो उस गुनाह की बात करने आए हो जो करने जा रहे हो। यह बात कोई समझ में नहीं आई। मैं नहीं चाहता कि गुनाह करने के बाद मेरे नापाक कदम यहां की पाक जमीन को खलीस कर दें। अभी तो मैं बेगुनाह हूं, लेकिन आज के बाद मैं यहां फिर कभी नहीं आने वाला। मेरी बात सुनो, अगर तुमने किसी इंसान का कत्ल किया तो खुदावंद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं किसी इंसान का कत्ल करने नहीं जा रहा हूं फादर, मैं तो 3 दरिंदों का नामो निशान इस दुनिया से मिटाने जा रहा हूं। ऐसे समय पर मेरी जज्बाती पुकार मेरे मजहबी फर्ज से ज्यादा जरूरी है। मुझे यकीन है खुदा मुझे माफ कर देगा। मजहबी हुक्म यह है कि मैं कन्फेशन करने वालों का चेहरा न देखूं, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। तुम एक गलत काम करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ अपने कमरे में अकेले में बात करना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। महेश सेंडिलिया, 24 साल पहले इधर रहता था। ऐसा करो, इस गली के मोड़ पर जो मकान है वो जिस पर एक राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा है उसमें एक आदमी 20 साल से रहता है, जिंदगी में उसने कोई तरक्की नहीं की, उससे पूछो। ये महेश शिंदे का काम? नहीं नहीं, मैं जिस महेश शिंदे की बात कर रहा हूं वो तो 24 साल पहले ठर्रे का धंधा करता था। अभी तो उसका इतना बड़ा मकान है, मुझे देखो, रिटायर्ड तहसीलदार हूँ मैं, अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बना सका, सड़कें नापता फिरता हूँ। हेलो, यस, मैं शैंडलिया पीकिंग। क्या फायर स्टेशन?
अरे बाबा ये फायर स्टेशन नहीं है, अरे बहुत देर से ट्राई कर रहा था, अपन को क्या लेने का है। हेलो, क्या 15 अगस्त को अपन को स्कूल में झंडा फहराने का है? भाई एक मुश्किल है, 15 अगस्त को अपन को सिंगापुर जाना है शॉपिंग करने। हेलो, अरे बाबा तुमको बुलाना है, फायर स्टेशन नहीं है मेरे बाप। क्या आग अब तक लगी हुई है? अरे शाम को बारिश होगी, अपने आप बुझ जाएगी, जाकर आराम करो। है कौन है बे? जेल से कितने दिन हो गए तेरे को देख के। चौबीस साल मैं जेल में रहा, एक दिन भी मुझसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली तुझे। आज जब मैं खुद तुझे ढूंढता हुआ तेरे घर आया हूं तो प्यार जता रहा है। वो काम बहुत ज्यादा हो गया। काम नहीं, माल बहुत ज्यादा हो गया। वो क्या डेविड, अपुन के मुल्क में वो डेमोक्रेसी है ना, उसके लिए अपुन जैसे सड़क छाप आदमी को हेरा फेरी करके ऊपर आने का चांस मिल गया। जेल में मैं किस हाल में था ये जानने की तो तूने कोशिश नहीं की, लेकिन तेरी खुशहाली देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहां बैठ जाऊं तो तेरा सोफा गंदा तो नहीं हो जाएगा? ए डेविड कैसी बात बोलता है, बैठ बैठ। अरे तेरे ऊपर ऐसे हजारों सोफे कुर्बान, अपन के पास माल आ गया तो क्या हुआ, ये थर्रा बेचने वाला, मेरा मतलब है ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर महेश शांडिलिया अपने जिगरी यार के लिए जान तक दे सकता है। शुक्रिया, वो कहां है? अपन भी कैसा गधा आदमी है यार, तुझे पूछा ही नहीं कि तू गर्म पिएगा या ठंडा, या सीधा नाश्ता कर लेगा। पेट की भूख मिटाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है दिल की प्यास बुझाना। कहां है वो? डेविड मैं क्या बोलता था कि वो बाहर गया है और वापस आने में 3-4 क्लाक भी लग सकते हैं। इतने में तू नहा धो के पाउडर ऑर्डर लगा के फ्रेश हो जा। तेरा मैं यही खराबी है, जब तेरे को अड़ीबाजी करता है। चल जा नहा धोकर तैयार हो जा, चल शाबाश। ये अपुन का विलायती बाथरूम है, इधर का हर चीज अपुन को छोड़ के बाहर के मुल्क से आयला क्या कि देना चाहते हैं कि अगर हमारे महान नेता को किसी ने हाथ भी लगाया तो हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। हम सिर्फ एक ही नेता को जानते हैं, एक ही नेता को मानते हैं, उसका नाम है चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। हाँ तो साथियों, अब आपके सामने भाई, क्या नाम भैया? सदानंद। हाँ भाई सदानंद जी अपने विचार प्रकट करेंगे। आइए सदानंद जी, बोलेंगे डेविड। डेविड भाई और बहनों, दोस्तों और साथियों, आपने अभी भी हमारे मित्र मेरे भाभी के दर्शन हो गए, चल जल्दी चल। अरे यार पागल हो गए,
ये भूख हड़ताल छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? तू एक काम कर, तू मेरे को अस्पताल लेके जा, मैं ये मीटिंग खत्म करके आता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? उस दिन तेरी मां मरी थी तब भी तू साले नेता के पीछे झंडा लेके घूम रहा था, आज भाभी के दर्द शुरू हो गए, उसको बच्चा होने वाला है और तू कहता है उसके अस्पताल ले जाओ और तू बाद में आएगा? तुझे साले बीवी प्यारी है भूख हड़ताल? अरे यार बात समझने की कोशिश किया कर, ये भूख हड़ताल छोड़कर चला आया तो मेरे नेता की बेइज्जती हो जाएगी। नेता की तो अभी क्या बोलूं तेरे को, तुम साले इधर भूखे प्यासे गला फाड़ रहे हो और तुम्हारा नेता इधर, तेरा वो नेता। नमस्ते नेताजी। नमस्ते। बाहर कोई खास आदमी मेरा इंतजार कर रहा है क्या? रोजमर्रा के मिलने वाले आए हुए नेताजी। हाँ। और डेविड अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए आया हुआ है। डेविड? कौन डेविड? एक बार किसान आंदोलन में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया था ना, तो आपको छुड़ाने के लिए और जलकर मरने के लिए तैयार हो गया था। ये वही डेविड है सरकार? मेरे जैसे महान नेता के लिए तो कितने आदमी जलकर मरने के लिए तैयार है, किस किस को याद रखे। डेविड तो आपका खास आदमी है नेताजी, वो तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है ठीक है, बाहर जाते ही बता देना डेविड कौन है, नहीं तो गलत आदमी को गले लगा लूंगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देख डेविड, आप उनको तेरा ये चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं है, सारा मेहनत करके बच्चा पैदा किया तुम दोनों ने और नाम रखवाने आ गए इस नेता से। अरे मुझे पूछा होता मैं रख देता एक अच्छा सा नाम, पांडू गुंडू झंडू। अरे चुप, अरे तू चुप कर, सारा सुबह से यहाँ फाफे मार रहा है, किसी ने चाय पानी के लिए पूछा तुझे? किसी ने कहा कि भाई डेविड अंदर आकर बैठ जाओ? हाँ हाँ भैया पूछो इनसे। हाँ बोलो बोलो, तुम भी बोलो। ए, यो 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 शपथ। अच्छा वो तुम्हारे स्टील के परमिट का काम मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा भतीजा तुमसे मिलेगा। जी अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा सुन, ए, वो कौन है? वो डेविड की बीवी है मेरी। ओ कदे, इन लोगों को तो हम बाद में मिल सकते थे, पहले तो डेविड को मिलना चाहिए। डेविड? अरे नेताजी, अरे नेताजी, अरे 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 डेविड कैसे हो? ना बिल्कुल ठीक हो जी। अच्छा अच्छा अच्छा, माय माय वाइफ। अरे तुम्हारे बारे में मुझे सब मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहो कैसा ना हुआ? वो क्या है नेताजी, ये मेरा बेटा है, हम चाहते हैं कि इसका नाम आप रख दें तो। अरे भाई तुम्हारे धर्म के मुताबिक तो तुम्हें किसी गिरजे में जाना चाहिए या किसी बड़े आदमी से इसका नाम रखना चाहिए। अरे नहीं नेताजी, हमें हमारे लिए तो आप ही बड़े हैं, आप ही हमारे भगवान हैं। नहीं नहीं, मैं इतना महान नहीं हूँ। अच्छा बताओ तुमने तो कुछ नाम सोचा होगा इसका? नहीं हमें तो कोई नाम नहीं। जेम्स बहुत अच्छा नाम है। जेम्स नाम है? नो नो नो, जेम्स बड़ा अच्छा नाम है। हाँ अच्छा नाम है, वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा नाम है। लाइए लाइए, मुझे दीजिए मुझे दीजिए। आओ आओ जेम्स बेटा, आओ 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 आओ। अरे भगवान इसे लंबी उम्र दे। अरे अरे ठहरो 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 ठहरो। अरे ये क्या कर रहे हैं आपने देखा? अरे नेताजी आपका तो सचमुच बहुत बड़ा दिल है, बहुत महान दिल है आपका। हाँ ये तो कुछ नहीं, तुम हमारे लिए क्या क्या करते हो? हाँ क्या जो इसे घर ले जाओ, भूख लगी होगी, मैं आ दो इसको दूध पिला दे। अरे 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 ये क्या। अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, जाओ। नेताजी डेविड की पत्नी बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें तमाचा क्यों मारा? पता है। किस लिए? डेविड आपका बहुत ही वफादार कार्यकर्ता है। हाँ? और बहुत ही अच्छा आदमी है, मैंने कहा उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है इसलिए। नहीं है? ये बात तुमने मुझे देर से बताई इसलिए। जी हाँ, अब डेविड से कह दो कि कल ही रेल रोको आंदोलन शुरू कर दे, कोई भी वजह बता दो। हाँ लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें नहीं, मुझे मुझे फायदा। तुम्हारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तुम चाहती हो कि मैं उसे छुड़ा लूं, यही ना? घबराओ नहीं घबराओ नहीं, कुछ देर पहले ही मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है, 10 मिनट के अंदर तुम अपने पति से बातचीत कर सकती हो। बंसी। जी सरकार। अरे बच्चा भूखा होगा,
कुछ हॉर्लिक्स दूध वगैरह पिला दो, ले लो ले लो ले लो। नहीं, मुझे दीजिए पहले मैं मुझसे। घबराओ नहीं, देखो हमारे लिए तो पुलिस की तानाशाही से टक्कर लेना हर दिन की बात है, घबराओ नहीं। टेलीफोन की घंटी बज गई, तुम्हारे पति का ही होगा। जाओ पति से बातचीत कर लो, बच्चे को दे दो, ले लो लाइए लाइए ले लाइए। हाँ जा जा, जा। बंसे। जी सरकार। हेलो। देखो एक घंटे तक इस बच्चे को माँ की याद नहीं आनी चाहिए, समझे? हेलो हेलो हेलो, मैं मेरी बोल रही हूँ। हेलो हेलो डेविड, हेलो कभी नहीं, तेरी माँ बहने नहीं है क्या? यही पूछोगी ना? बदमाश, मेरा पति तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है और तुम उसकी पत्नी के लिए ऐसी बुरी नीयत रखते हो। यही पूछोगी ना? मानता हूं बात बहुत गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी सब की बीवियां ज्यादा खूबसूरत लगती है। क्या करूं मैं? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिल्लाने की भी सोच रही हो गया? तुम क्या समझती हो कृष्ण भगवान तुम्हें बचाने आएंगे? वो महाभारत में आए थे, इस भारत में नहीं आएंगे। आओ आओ। अरे मैं को चोरी डकैती के लिए थोड़ी ना अंदर हुआ था, अरे अपनी पार्टी के लिए अंदर हुआ था, पार्टी के लिए। अपने मान नेता के लिए तो हजार बार पटरी पर सर रखने के लिए तैयार हूं, मालूम? उसके लिए तो कुछ भी करने को अपन। ये घर के बाहर इतना Thank you.
ऑफिसर के सामने तुम इनका खून करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस हरामजादे ने मेरी बीवी को मार दिया सर। हाँ सर, इसने उसकी इज्जत उठी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली सर। इसने मेरी बीवी को मार दिया। बैठ जाओ, छोड़ दो, तुम बैठ जाओ, सही बात करो, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम मुझसे बात करो। तुम्हें कैसे पता कि इसने तुम्हारी बीवी का खून किया? गवाह है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सर, हाँ सर, सबूत है मेरे पास। इस सर, इसलिए वजह से मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली सर। ये देखिए, ये देखिए सर, मेरी बीवी ने अपने हाथ से लिखा है, अपने हाथ से लिखा है। मैं देखता हूँ, आप लोग प्लीज सब नीचे जाइए। और यू प्लीज गो डाउन सर। मेरी बीवी ने अपने हाथ से लिखा, इस हरामजादे ने मेरी बीवी को मार दिया सर। इसने उसकी इज्जत लूटी, इसने उसको मार दिया सर। मैंने अपना पेट काट काट करके पैसे बचा करके इसके लिए मालाएं खरीदी। रात रात भर जाग के मैंने इसका पोस्टर दीवारों पर चिपकाए। कुत्ते की तरह इसकी हर बात बाधी और इसने मेरी बीवी की इज्जत लूटी सर। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। इस आदमी को गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर सहाय, सहाय, आई एम ए पॉलिटिशियन, बिग मैन, आई एम ए लीडर। सहाय, एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बदले में मेरी तिजोरी में 10 लाख रुपए, आप ले लो। सर, तुम्हारे 10 लाख से ज्यादा मुझे कानून प्यारा है। सहाय, बिल्कुल ठीक कहा साहब, इसको मत छोड़ना, इसको मत। ठीक है, मैं संभालूंगा, तुम चुप रहो, खामोश खामोश हो, तुम मुझ पर भरोसा है? हाँ सर, आप पे भरोसा, लेकिन भरोसा है तो हमारे साथ। चुप रहो तुम, चुप रहो, चलो चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ आओ, सब ठीक होगा, तुम फिकर मत करो, बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, तुम भरोसा रखो। ये एक ही सबूत उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए काफी है। तुम यहाँ दस्तखत कर दो, तुम यहाँ साइन कर दो, मैं बाद में रिपोर्ट लिख लूंगा। कम ऑन, दस्तखत करना आता है ना तुम्हें? ए, दस्तखत करना आता है ना तुम्हें? मैं तो पहले अंगूठा चाटता सर, मेरी ने मुझे दस्तखत करना सिखाया। It's all right, come on, come on. उस शैतान के चेहरे से मैं शराफत का नकाब उतार दूँगा। Come on, तुम फिकर मत करो, तुम यहाँ साइन करो। मेरी मैं शाबाश। कांस्टेबल, इनकी हथकड़ी उतार दो। क्या कर रहा है, जल्दी करना, चल 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 जल्दी। थैंक यू इंस्पेक्टर सहाय, थैंक यू, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। अरे शुक्र करो, मरी हुई लड़की के हाथ की लिखी हुई तहरीर मेरे हाथ लग गई। अगर किसी और के हाथ में आ जाती तो नेताजी आपको फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। यस यस, फाड़ दो इसको, फाड़ दो जल्दी। हरामजादो, दलील हरामजादो, यो पोस्टर, यो पोस्टर, जाने दो, खिला दो, खिला दो, फाड़ो, तुम फाड़ो, फाड़ो। क्या मैं आपकी इज्जत भी नहीं करूंगा? क्या करोगे? एक शरीफ और ईमानदार इंसान तुम्हारे चुंगल में फंसा है, उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के इस खत को फाड़ना चाहते हो? मैं कतई नहीं होने दूंगा। साहब, ये बिल्कुल ठीक है साहब, ये खत मत फाड़ने देना। इन बदमाशों की खत मत फाड़ने देना साहब। ये खत मैं नहीं फाड़ने दूंगा, लाओ ये खत मेरे हवाले कर दो। अरे ओ डॉक्टर, अरे हमने तुम्हारे नर्सिंग होम के लिए कितना पैसा दिया, भूल गए क्या? इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। साहब, ये खत किसी ईमानदार पुलिस अफसर को देकर इन्हें पकड़ा दीजिएगा सर। ये लोग बहुत बहुत खतरनाक आदमी है सर, इनको छोड़िएगा मत। ये खत एक ही सबूत है तुम्हारे पास ना? हाँ सर। इस खत की मदद से ही इन दोनों को सजा मिल सकती है। हाँ सर, हाँ सर। तब तो इसे फाड़ना नहीं चाहिए, कुछ और करना चाहिए। देसी शराब का धंधा करने वाले श्री महेश शेंडेलिया ने बयान दिया है कि जिस वक्त मेरी की मौत हुई थी, डेविड पुलिस की हिरासत में था और उन्होंने इसे जमानत पे छुड़ाया था, लेकिन पुलिस के रोजनामचे में डेविड की गिरफ्तारी का कोई दाखला नहीं है और ना ही इस बात का कोई गवाह है। नहीं, झूठ बोलता है ये, ये झूठ बोलता है। इसके अलावा योर ऑनर, जब मैंने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो इसने शहर के दो रईस और जिम्मेदार नागरिकों के सामने अपने जुर्म का इकबाल किया। वो बयान इसने खुद अपने हाथों से लिख के मुझे दिया, जो मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। मेरी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की हैसियत से मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपना बयान पूरी सच्चाई और ईमानदारी से दूं। मेरी किसी अकस्मात दुर्घटना या आत्महत्या करने से नहीं मरी, बल्कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है।
उसके जिस्म के जख्मों के निशान इस बात का सबूत है। मिलॉर्ड, मेरी एक रईस घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी। डेविड किसी भी तरह उसके काबिल नहीं था, इसलिए उसने दूसरे लोगों से नाजायज संबंध रखने शुरू किए। डेविड ने मुझे एक दिन बताया कि उससे उसकी पत्नी की बेवफाई सहन नहीं हो रही है। मैंने उसको सलाह दी कि मेरी को समझा बुझा कर धीरे धीरे रास्ते पर ले आओ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो उसे मार डालेगा। मिलॉर्ड, कोई भी स्वाभिमानी पति अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अदालत से हाथ जोड़कर उसके लिए रहम की दरख्वास्त करता हूं। डेविड, यू वॉन्ट टू से एनीथिंग? ईसा मसीह को लोगों ने कैसे सूली पर चढ़ाया, इसका कहानी आज तक अपन खाली सुना, पर आज अपनी आंखों से देख लिया। इसका क्या होगा? तू इसकी फिक्र मत कर, अभी अपन का बेटा है, अपन ठर्रे का धंधा बंद कर देगा, अपन सारे खोटे धंधों को एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक देगा। इसको तेरे माफिक शरीफ और ईमानदार आदमी बनाने का अभी अपन का फर्ज है। इससे तो बेहतर होगा कि इसका गला दबाकर इसे मार डाल। डेविड, बाइबल के पवित्र संदेश के बजाय इसके दिल में 24 घंटे बदले की आग सुलगती रहनी चाहिए, क्योंकि 20 साल बाद जब मैं जेल से लौटूंगा तो हो सकता है मेरे जिस्म में उतनी ताकत ना हो जितना तूफान मेरे दिमाग में होगा। उस वक्त ही मेरा सहारा होगा, मेरी ताकत होगा। देख महेश, अगर तू मेरा दोस्त है, अगर तू मुझे चाहता है, तो इस लड़के को एक बहुत ही खतरनाक गुंडा बना लो। कैसी बातें करता है तू? कोई बाप अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें बोलेगा? जिसने इसकी मां के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने इसके बाप को उम्र कैद की सजा दिलवाई, ऐसे कमीनों से अगर बदला ना लिया तो ये मर्द की औलाद नहीं। तू बरोबर बोलता है डेविड, तू अपने बीवी बच्चे के साथ कितना खुश था, उन तीनों शैतानों ने तेरे खानदान की खुशियों में आग ही नहीं लगाई बल्कि उसे मलियामेट कर दिया। उन तीनों कमीनों से बदला लेना अपन का फर्ज है। तेरे को इसको गुंडा बनाने का है ना? अपन इसको ऐसा खतरनाक गुंडा बनाएगा कि लोगों का इसका नाम सुनते उनका कलेजा कांप उठेगा। अपन कसम खाता है डेविड, कसम खाता है, कसम खाता है। चोली खेल रहा था, नाश्ता एकदम रेडी है, आजा। पिस्तौल कहाँ है? डेविड, एक मिनट मेरी बात आराम से सुन ले। परसों पहले कुछ लोगों ने मिस्टेक किया, उन लोगों से अब बदला लेने का क्या फायदा? मतलब पिस्तौल लेकर घूमना अच्छा नहीं है। तीनों कमीनों से बदला लेना अपन का फर्ज है। तेरे को उसको गुंडा बनाने का है ना? अपन इसको ऐसा खतरनाक गुंडा बनाएगा कि लोगों का इसका नाम सुनते उनका कलेजा कांप उठेगा। अपन कसम खाता है डेविड, कसम खाता है। hmm.
बाहर खड़े रहकर तमाशा देखने वाला सिर्फ वेदांत झाड़ सकता है, किसी के अंदर की पीड़ा नहीं समझ सकता। मेरा बेटा कहाँ है? वो क्या है कि वो परेशान सर, ये ईश्वरलाल है और अंदर जो मार खा रहा है ना वो सोमराज है। ये दोनों इंटरनेशनल गैंग के मेंबर्स हैं। जाली नोट छापने के अलावा इन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर आसपास के गांवों और इलाकों में बड़ी धोखाधड़ी की है। ओहो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम पहले जाकर विजय को रोको, कहीं जोश में आकर वो तो जान से ना मार डाले। प्लीज। यस सर। I hate criminals. David, अपुन ने तेरे बेटे को बाप का भी प्यार दिया और मां का भी। अब ये मत पूछना कि गोद में लिटाकर दूध क्यों नहीं पिलाया, क्योंकि वो अपन से नहीं हो सकता था। अपुन ने उसे कलेजे से लगा कर पाला, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाया। अपुन सोचा कि जब तू जेल से छूटकर आएगा तो अपुन को बहुत बड़ा इनाम देगा। कितना बड़ा इनाम दिया तूने मुझको। तूने मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती कैसे होने दिया? क्या तुझे नहीं जानता था कि वो कभी ना भी एक पुलिस वाला ही था जिसने उस हरामजादे को बचाया जिसने मेरी बीवी के साथ मेरे बेटे की मां के साथ बलात्कार किया? क्या तुझे नहीं जानता था कि वो एक पुलिस वाला ही था जिसकी वजह से 24 साल मैंने जेल में काटे और तूने मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती करवा दिया? जेल में क्या वादा किया था तूने? क्या सोच के वादा किया था? उस वक्त तू गुस्से में था, नहीं तो कोई साला बाप अपने बेटे को गुंडा बनाने को बोलता? और अपुन साला उल्लू का पट्टा दोस्ती के जोश में तेरे को पिरामिड भी दे दिया। लेकिन अपुन जब घर पहुंचा तो लाइफ में पहली बार सोचा कि दारू के धंधे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक बच्चे की लाइफ में नफरत का जहर घोलना बहुत ही बड़ा पाप है। बस अपुन उसी दिन फैसला कर लिया कि तेरा जूता खा लेगा लेकिन बच्चे की लाइफ खराब नहीं करेगा। तेरे को मांगता तो अपन को अपने जूते से मार ले, नहीं तो ले मेरा जूता, मुझे इसी से मार ले, तू पकड़ गया। इतने वर्षों में मेरे बेटे ने ये कभी नहीं पूछा कि उसकी मां कहां है। बोल। पूछा, कई बार पूछा। तो क्या कहा तूने? बोल दिया कि वो मर गई थी। कैसे मरी ये नहीं बताया? कह दिया था कि चेचक निकल आई, उसी में खलास हो गई थी। अपन को क्या मालूम था कि अपन तेरे पास ऐसे फंस जाएगा? तूने उसे कभी ये बताया कि उसका बाप जेल में है और 24 साल से वहां सड़ रहा है? बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अपन ने उसे कह दिया कि अपन ही उसका बाप है। तूने बोला कि तू उसका बाप है? बुरा नहीं मानना डेविड, अपुन तेरे को सारी बात सच्ची सच्ची बताता है। वो मुंह से पहली आवाज निकाला तो अपुन को बाबा बोला। अपुन उसका बाप नहीं था लेकिन अपुन को बाबा सुनकर बहुत सुख मिला और उसी दिन से हम उसका बाप हो गया। उसकी भलाई के लिए अपना सारा बुराई उठाकर बाहर फेंक दिया। भगवान ने भी अपना साथ दिया। अपुन ने उसको पढ़ाया लिखाया लेकिन तेरा स्टोरी कभी नहीं सुनाया, क्योंकि अपुन को मालूम था कि तेरी स्टोरी सुनकर उसका मगज गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अपन कभी तुझसे मिलने जेल नहीं आया। डेविड, अपन तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करता है, तेरे पाँव पड़ता है, उसको कभी मत बताना कि अपन उसका बाप नहीं है। डेविड, उसको अपन से अलग नहीं करने का, नहीं करने का।
अपने जीवन का अंधेरा मिटाने के लिए मैंने तुझे दिया जलाने के लिए कहा था, तूने तो मुझे को जलाकर अपने जीवन में उजाला कर लिया। ठीक है, तुझे तेरा बेटा मुबारक। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत दम है, अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे तेरे या तेरे बेटे की जरूरत नहीं। पिस्तौल कहाँ है? डेविड, तू इतने सालों बाद आया है, एक बार अपने बेटे को देख तो ले, ये बदला बदला सब भूल जाएगा। आज तो मैं तुझे माफ करता हूं, दोबारा मुझसे ऐसी शराफत की उम्मीद मत रखना। आइंदा बाप बेटे के प्यार के जज्बात को बीच में लाने की कोशिश की तो मेरा सबसे पहला शिकार मेरा बेटा, सॉरी तेरा बेटा होगा। सो बी केयरफुल। बोलो क्या गुनाह किया है तुमने? मैंने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया फादर, लेकिन अब मैं 3 कत्ल करने जा रहा हूं। ए, ए लड़की, ए! नो एंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं देता क्या? जी रोज ही देखती हूँ। फिर नो एंट्री में आने का मतलब क्या हुआ? मतलब जल्दी में थी। जल्दी में थी? अच्छा, पहले 100 रुपये जुर्माना भरो, फिर जल्दी का काम करना। नाम बताओ। विनीता। उमर? स्वीट 17। करते क्या हो? मोहब्बत। पाप का नाम? श्रीमान SK भटनागर। करते क्या है? DIG है। मतलब? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डेप्यूटी इंस्पेक्टर। हाथ नीचे करो। तुम्हारा नाम? मैडम प्लीज। तुम्हारा नाम बताओ। छोटेलाल खोटे। बाप का नाम? बड़ेलाल खोटे। इसका मतलब है सब खोटे ही खोटे हैं, खरा कोई भी नहीं। ठीक है, अगर मैंने ये डायरी को दे दिया तो क्या होगा आपका जानते हो? प्लीज मैडम, गलती होगी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कल मैं इसी रास्ते से आई तो आप क्या करोगे? नो एंट्री के बोर्ड को घुमा के रख दूंगा। That's it. Keep it up. थैंक यू मैडम, बाय। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा नाम विजय है, CID ऑफिसर हूं। अपने डैडी से जी भर के मेरे बारे में शिकायत कर देना, मुझे कोई परवाह नहीं। अब की बार तो हवा निकालिए, अगली बार नो एंट्री के अंदर घुसी ना तो पहिया निकाल के हाथ में दे दूंगा, समझी? यो कम ऑन, मूव ऑन, मूव। चलो चलो सब लोग चलो। गलती क्या हुई उसकी तरफ ध्यान दिया करो, गलती किससे हुई है उसकी तरफ नहीं, समझे? एंड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। साहब फोटो में आप भी हैं, दोनों लवर्स हैं क्या? जोड़ी बहुत अच्छी है। विनीता प्लीज, विनीता शट अप। विनीता मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें कल वाले फोटोग्राफ दिखाने की खुशी में मैंने नो एंट्री की भी परवाह नहीं की, और तुम इतने लोगों के सामने अपने अफसरी दिखाने से बाज नहीं आए, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। प्लीज आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो वहां तुमने गलती की थी इसलिए पुलिस अफसर की हैसियत तुम्हें डांटना पड़ा, लेकिन जहां तुम्हें तुम्हारा प्रेमी हूं तुम चाहे मुझे डांट सकती हो, जो सजा देना चाहे दे सकती हो, कहो तो तुम्हारा पांव पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं, चाहो तो तुम्हारा मुंह चूम लूं। देखो तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, अपने उस कांस्टेबल के पास जाओ और जो चूमना है चूम लो। विनीता, विनीता प्लीज। ओके ओके ओके, आई विल टेल यू अ स्टोरी बट यू हैव टू सिंग विद मी।
रेडी 1 2 3 4 सब लोग एकदम गैर जिम्मेदार लोग हैं इसका ये मतलब What do you mean? I mean that this sacred place has become the sanctuary for criminals. And it is people like you who are encouraging them. Jesus, me? Yes, you. नहीं सर, I know nothing. Do you know that these criminals have killed a 5-year-old girl for the sake of some Jews and hidden them here? Really? Yes, really. 15 days ago, I dug out some narcotics from this very spot. Oh, God. God. Now you remember God. Who gave them the permission? And what were you doing? Were you watching the fun or were you sleeping? I was praying. You were praying. बहुत हो गया। एक दिन में कितने पप्पी करोगे? पैदा होने के बाद बेटे की पप्पी की ना तो मारे जलन के सड़ जाओगी तुम। बेटा ही होगा? ये कैसे बोल सकते हो? इसलिए जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो। और देखना बिल्कुल मेरे जैसे होगा। सिर्फ एक बात में मेरे जैसे होना चाहिए। किस बात में? इंग्लिश बोलने में। अरे I can speak English now very well, my dear Mary. What you know? I can talk English, I can walk English. तुमने तो इंग्लिश बोलना अभी सीखा है। वो तो पैदा होते ही इंग्लिश में रोएगा, इंग्लिश में बोलेगा, उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। ठीक है बोलो उसको बोलने के लिए। हेलो हेलो मिस्टर डेविड जूनियर, यू प्लीज टॉक टू मी। हेलो अभी कैसे बोलेगा? क्यों? वो दिन आने दो जब वो भी इंग्लिश में बोलेगा, तुम भी इंग्लिश में बोलोगे, फिर देखना कौन जीतता है। This is the way you're thinking, I'm afraid, that crime will never disappear from this land. You must understand this point. तुमने ठीक ही कहा था मेरी। It's the members of the public like you. तुम्हारा बेटा क्या फर्राट से अंग्रेजी बोल? They will have to cooperate with the police. Apprehend them. लेकिन मैं उससे कुछ कम नहीं हूँ। Don't always keep complaining. अभी जाकर उससे निर्णय छोड़ता हूँ। छुट्टी कर दूँगा उसकी। Come on, hurry up! Please. वो लोग मुर्दे को दफनाने का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि वो लोग आखिरी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, उन्हें अपना काम करने दीजिए। एक्सक्यूज मी, यस, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल? इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। हाय, डू यू नो हु यू आर टॉकिंग टू? यस, I am talking to a young man who is just about the age of my son. Look, why don't you mind your own business and get the hell out of here? I should be telling you this. I have been watching you for quite some time now. Do you think there's no one who can question you? Where do you think you are? At a police station? This is a graveyard. Look here, old man. It's only because of your age that I'm respecting you. You better behave yourself. Ah, respecting my age. Respect should not be in words alone. It should be in deed also. If someone has robbed something somewhere and hidden it here, why are you holding the priest responsible for it? What were you doing when they were robbing it? Were you sleeping? Were you watching the fun? Hold on! Let us go, Jitme. Hold on! उनको हाथ लगाया अच्छा नहीं होगा। शू क्या करता है? मेरा भाई भी वकील है, कायदा कानून मैं भी जानती हूँ। प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। बच्चा है, जवानी के जोश में कुछ ज्यादा बोल गया है। मैं इसे भी समझाता हूँ, आप लोग जाइए 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 जाइए। Come on, let us begin the prayer. Oh Lord, hear our prayers in which we humbly ask for mercy. That you would give your servant. Sorry, son. Please.
अपने बेटे के लिए जो तुमने सपना देखा था मेरे, वो कितना सच निकला। काश काश तू ये सब देख सकती, कितनी खुश होती तुम। ले जाओ से। एक बार फिर सोच लीजिए और तब जवाब दीजिए फादर। जब वो आदमी चर्च में आपसे कन्फेस कर रहा था कि वो तीन आदमियों का कत्ल करने वाला है, तो क्या उसकी सूरत देखने को आपका जी नहीं चाहा? डीआईजी साहब, मैं एक कैथोलिक प्रीस्ट हूं, हमें कन्फेशन करने वाले इंसान की सूरत देखने की इजाजत नहीं है और ना ही कन्फेशन के बारे में किसी को कुछ बता सकते। तो फिर आप क्यों बता रहे हैं? मैंने तीन इंसानों की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा और इसीलिए प्रीस्टहुड से इस्तीफा देकर यहां आया हूं। अब उनकी जान बचाना आपका काम है। आप भी कमाल करते हैं फादर, आप उस आदमी का हुलिया नहीं जानते, आप ये नहीं जानते कि वो लोग कौन है जिन्हें वो कत्ल करना चाहता है। ये सब जाने बिना पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस को भगवान की तरह अंतर्यामी तो है नहीं। यस सर, आप 100% करेक्ट है। ये तो अंधेरे में काली बिल्ली पकड़ने वाली बात हुई। इम्पॉसिबल, मेरे ख्याल में इस केस को ड्रॉप कर देना ही अच्छा है सर। क्यों? यस फादर, आप जा सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, कुछ सोचिए सोचिए। Yes? सर, उस किलर के कन्फेशन से यह तो पता चली जाता है कि वो एक कट्टर क्रिश्चियन है, इसलिए उसे इस बात का भरोसा रहा होगा कि फादर उसके कन्फेशन के बारे में किसी को नहीं बताएं। वो तो ठीक है विजय, लेकिन सिर्फ इतना जान लेने से हमें क्या मदद मिलेगी? सत्य वचन सर, इसीलिए मैंने ये बिंदु नहीं उठाया, अब ये पॉइंट नहीं उठाया। हाँ बोलो विजय, क्या मदद मिलेगी? सर हमें यह मदद मिलेगी कि अब हम अखबारों और टीवी के जरिए ये झूठी खबर फैला सकते हैं कि फादर ने पुलिस को न सिर्फ उसके कन्फेशन के बारे में खबर दे दी है बल्कि उसका हुलिया भी बता दिया है। नो नो, नॉट दैट विजय, सारे शहर में खलबली मच जाएगी, हर आदमी का कोई ना कोई दुश्मन तो होता ही है, सारा शहर पुलिस प्रोटेक्शन मांगने दौड़ पड़ेगा, एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इट विल बी अ न्यूसेंस। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे हमें दो फायदे भी होंगे। एक तो ये कि जब उस कट्टर क्रिश्चियन को इस बात का पता चलेगा कि फादर ने पुलिस को उसके कन्फेशन के बारे में बता दिया है, तो वो इन पर हमला कर बैठे मजहबी जुनून में आकर, और अगर उसने ऐसा किया तो हम उसे आसानी से गिरफ्तार कर लेंगे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह जानने के बाद कि पुलिस को उसके इरादे का पता चल गया है, वो अपने कत्ल के प्लान को कुछ दिनों के लिए टाल सकता है सर, और हमें थोड़ा सा समय और मिल जाएगा। फैंटास्टिक, कमाल का आइडिया निकाला तुमने। रीता, कितने बार कहा है तुमसे कि डिपार्टमेंट के मामलों मत बोला करो, जाओ ना जाओ। विजय, मेरे ख्याल से तुम्हारा सुझाव अच्छा है। यस सर, हमने भी यही सोचा था। हाँ मिस्टर विजय, मेरे ख्याल में आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। चलें? चलिए। चर्च के आसपास अगर तुम्हें कोई ऐसा आदमी घूमता फिरता हुआ नजर आए जिस पर तुम्हें शक हो तो खुद पूछताछ में शुरू कर देना, पहले मुझे बताना होगा। ओके सर। विक्टर वन कॉलिंग विक्टर थ्री, होगा। गो अहेड विक्टर वन। फादर के घर के सामने जो प्लेन क्लोथ कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं और जो बंदरों की तरह मूंगफली खा रहे हैं और आती जाती लड़कियों को देख रहे हैं, उनसे कहो जरा होशियार रहे और फादर से कहो कि घर के बाहर आकर के बैठे, अगर वो अंदर बैठे रहेंगे तो उन पर हमला कैसे होगा? हमें जाकर इत्मीनान दिलाओ कि उनकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। होगा। ओके सर। या विक्टर वन स्पीकिंग, गो अहेड। चेंबूर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने आपको फौरन बुलाया सर। और किस लिए? पुलिस स्टेशन में एक कोई पादरी आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो तीन खून होने वाले हैं उसके बारे में वो सब कुछ जानते हैं। और इंस्पेक्टर को पादरी ने इसके बारे में कुछ बताया? जी नहीं, वो कह रहे हैं कि सारी बातें एसपी साहब को ही बताएंगे और वो जिद कर रहे हैं कि फौरन उन्हें एसपी साहब के पास ले जाया जाए। ओवर। ठीक है, उनसे कहो वहीं रुके, मैं अभी आ रहा हूँ।
हेलो फादर, इंस्पेक्टर विजय। गॉड ब्लेस यू माय सन। ये केस मैं ही हैंडल कर रहा हूं फादर, इसलिए आप मुजरिम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं मुझसे कह सकते हैं। मैं यहां के इंस्पेक्टर से पहले ही कह चुका हूं कि मैं सारी बातें सिर्फ एसपी साहब को ही बताऊंगा। ओके फादर, लेकिन एसपी साहब को ये बातें जानना किस हद तक जरूरी है ये तो मुझे मालूम होना चाहिए। नहीं, एक मिनट फादर, आप एसपी साहब को मिलने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस केस में तुम्हारे डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, हो सकता है वो मुजरिम की मदद करने की कोशिश करें। फादर, पुलिस वाले मुजरिमों को पकड़ते हैं, उनकी मदद नहीं करते। तुम्हारी उम्र में मेरा भी यही विश्वास था और मैंने धोखा खाया। खैर, मुझे एसपी साहब से मिलने की इजाजत मिलेगी या नहीं? ओके फादर, जरा यहीं रुके। Sit down. Thank you. Father, ये केस इंस्पेक्टर विजय संभाल रहे हैं। He is a very sincere officer. हम सबको इन पर पूरा विश्वास है। आप सब कुछ इन्हें बता सकते थे। चाहता तो मैं भी यही था कि मुजरिम के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम हो जाए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको बता दूं। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी तलाशी लेना चाहता हूं। नो नो विजय, इट्स ऑल राइट। नहीं, इन्हें अपना फर्ज पूरा कर लेने दीजिए एसपी साहब। आप इन्हें तो कहा था कि ये बड़े सिंसियर ऑफिसर हैं। गो अहेड मिस्टर विजय। ये पट्टे कैसे फल? ये एक पुराना घाव है, अभी तक भरा नहीं। किसी स्पेशलिस्ट से नहीं दिखा? तीन स्पेशलिस्ट मेरे दिमाग में हैं। आज बड़ी मुश्किल से पहले स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट मिली है। थैंक यू फादर। स्टूडेंट सर, सुबह डीआईजी साहब के ऑफिस से एक फाइल आई थी, ये आपने देखी? हाँ देखी है। थैंक यू सर। हाँ आप बताइए फादर, ये मुजरिम कौन है, वो किन तीन लोगों को मारना चाहता है, किस जगह पर मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? साहब, सुनाने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए उस मुजरिम के बारे में सारी बातें मैंने इस कागज पे लिख दी है, आप इसे पढ़ लीजिए। सब बच्चा था, एक छोटा सा घर था,
तूने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया साहब। मैं वो पुराना साहब नहीं रहा डेविड। मैं बदल गया हूं, मैं सुधर गया हूं डेविड। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दुश्मनों को माफ करना इंसानियत है, लेकिन मक्कारों को माफ करना बेवकूफी है। कपड़े उतार। कपड़े? ये वर्दी पहनकर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा साहे। इस वर्दी की एक इज्जत होती है, इसमें तेरा खून लगेगा तो इसका अपमान होगा। Now, come on. देखो मैं वहां थोड़ी देर में आने वाला हूं, तब तक के लिए आई वॉन्ट एवरीवन टू बी अलर्ट। ओवर। साहब के कमरे में पादरी बैठे, मुझे उनकी बातें सुननी है। पहचानो खोलो। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन आया है। उनसे कहो मैं अभी नहीं ले सकता, आधे घंटे बाद फोन करें। कोई विनीता का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। हेलो भैया, बोल रहा हूँ। विनीता का बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, उसकी जान खतरे में है। कौन सा हॉस्पिटल से बोल रहे हैं आप? हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? बीच सड़क पर पड़ी हुई बोल। बीच सड़क पर पड़ी हुई है वो, आप ही की गोद में सर रखकर मरना चाहती है। आपकी गोद में सर रख के मरना चाहती है। आंखों में आंसू देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना? आज भी मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। तुम एक बेईमान पुलिस अफसर हो, एक ईमानदार पुलिस अफसर आकर ये दरवाजा खोलेगा और उसके हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी। हेलो मिस्टर विजय। विनीता कभी तो अकल से काम किया करो तुम। हाँ चैनल पर ये तुम्हारे जैसे बेईमान पुलिस अफसरों के लिए एक सबक होगा। गुड बाय मिस्टर साहब।
विजय, अब तक मुझे तुम पर कितना अभिमान था। तुमसे सीनियर ऑफिसर्स को मैं तुम्हारी मिसाल दिया करता था कि सेंस ऑफ ड्यूटी आप लोग विजय से सीखे। मुझे तुमसे इस बेवकूफी और इस लापरवाही की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरी 24 साल की सर्विस हो चुकी है मिस्टर विजय, अगले साल रिटायर भी हो जाऊंगा। इस दौरान में मैंने कोई केस हल नहीं किया, ये दूसरी बात है, लेकिन किसी भी केस में इस किस्म की बेवकूफी भी नहीं की। मैं ठीक कह रहा हूं मिस्टर खान? यस सर। विल यू प्लीज शट अप। विजय, तुम खुद कह रहे थे कि आखिरी वक्त में कंट्रोल रूम में जाकर तुमने साहब साहब के कमरे का चैनल खोला। वो आदमी उन्हें कत्ल करने से पहले कम से कम 10 मिनट तक उनसे बात करता रहा। वो चैनल तुमने पहले क्यों नहीं खोला? क्या कर रहे थे तुम उस वक्त? किस काम में बिजी थे? बोलो। एनीवे, ये तुम्हारी पहली गलती थी और उम्मीद करता हूं कि यही तुम्हारी आखिरी गलती भी होगी। यू कैन गो नाउ। विजय, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी बेवकूफी की वजह से आज तुम पर उंगलियां उठ रही है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं उसका हिसाब तो चुकाना ही लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं सर, जैसे आपने पूछा, जुलाई की 20 और 24 तारीख के दरमियान 3 आदमी रिलीज हुए थे। विजय, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यही वो मुजरिम है? यस सर, इसका नाम डेविड है। अपनी पत्नी मैरी के कत्ल के जुर्म में से जेल भेज दिया गया था। केस की जब कार्यवाही हुई तो 3 आदमियों ने इसके खिलाफ गवाही दी। इन तीनों को कत्ल करने का कन्फेशन इसने चर्च में किया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सहाय इसका पहला विक्टिम था। केस की बाकी बातें फाइल में। श्रीमान विजय साहब, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब लगभग इस हत्यारे डेविड के जैसे ही दिखाई देंगे। मिस्टर अमरनाथ, आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स सिर्फ जबानी जमा खर्च करते रहते हैं। आपसे जूनियर ऑफिसर विजय कितनी मेहनत करके इतना सब कुछ पता लगा के लाए हैं और आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। विजय, तो इस हत्यारे का अगला टारगेट डॉक्टर वर्मा और नेता चतुर्वेदी हैं। चतुर्वेदी जी तो विलायत गए हुए हैं, उन्हें आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। तुम ऐसा करो, ये पता लगाओ कि डॉक्टर वर्मा कहाँ हैं और उनकी हिफाजत का पूरा पूरा बंदोबस्त करो। डॉक्टर वर्मा अभी आते ही होंगे, आते ही पहले आपको मिलवा दूंगे। आप बैठिए। डॉक्टर साहब हैं क्या? नहीं, आते ही होंगे, आप बैठिए। गुड मॉर्निंग। यस, हाँ, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इतने पेशेंट मैं नहीं देख सकता। 2-3 जो जरूरी उन्हें अंदर भेज दो। ओके, सुनिए, आप आइए। डॉक्टर वर्मा? यस।
देखिए मैडम, आप डीआईजी की बेटी होंगी, मुझको इससे कुछ मतलब नहीं। आप गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी कर सकती, गाड़ी ले जाकर आप पीछे खड़ी कीजिए। हे मिस्टर, डीआईजी मींस डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उनकी बेटी की कितनी वैल्यू है मालूम है तुम्हें? एसपी सहाय की सनसनीखेज हत्या करने वाला कौन है इसका पता चल गया है। उस कातिल का नाम है आज की गर्मा गर्म खबर। उम्र कैद की सजा भुगतने के बाद ये डेविड कुछ ही दिन पहले जेल से रिहा किया गया था। पुलिस का ख्याल है कि डेविड का अगला शिकार डॉक्टर वर्मा हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पुलिस संरक्षण में किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है। क्यों जय, क्या हुआ इन्हें? सर, जैसे मैंने इन्हें बताया कि शायद डेविड का अगला निशाना ये हो सकते हैं, हिफाजत से रहना चाहिए, बेहोश हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर विजय डीआईजी साहब से कोई बात करना चाहता है और अपना नाम डेविड बता रहा है। डेविड? सर, वो डेविड आपसे बात करना चाहता है, वो खूनी। मैं बात करूं सर? ओके। हाँ इंस्पेक्टर पांडे। यस सर। इस कॉल को ट्रेस करो, पता करो ये कहां से है। ओके सर। हाँ पुट द कॉल थ्रू प्लीज। हेलो, मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। उस दिन दिन दहाड़े जब मैं पहला कत्ल करने एसपी सहाय के ऑफिस आया था तो तुम मुझे बड़ी हिफाजत के साथ उनके पास ले गए थे। उस सकलमंदी के लिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें इतनी जल्दी डीआईजी बना दिया मिस्टर विजय। ये क्या बकरे हो तुम? यही बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। डीआईजी को फोन दो। क्या बात? सर, उसने मेरी आवाज पहचान ली, सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। हेलो। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? कॉल ट्रेस करने के लिए तो मैंने इंस्पेक्टर पांडे को भेज दिया, लेकिन अभी भी जब मैं फोन पर बात कर रहा था तो मुझे लोकल ट्रेन और गिरजे के घंटे की आवाजें सुनाई दी। आप ऐसा कीजिए, अपने आदमी को लेकर के रेलवे लाइन के आसपास जितने भी गिरजे घर हैं वहां उसकी तलाश कीजिए। ओके सर। शट अप। पुलिस तुम्हारे ब्लैकमेल से डरने वाली नहीं है। तुमने चाहे किसे भी पकड़ रखा हो, हमें कोई परवाह नहीं। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए डीआईजी साहब, पहले ये तो जान लीजिए कि हमारे कब्जे में कौन है, उसके बाद सौदा करें। हेलो, हेलो, हेलो डैडी। विनीता, तुम ठीक तो हो विनीता? डैडी, डैडी मुझे बचा लीजिए, मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ। इस आदमी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे मार डालेगा। विनीता, हेलो हेलो। ए बुड्ढे, शराफत से मुझे फोन दे दो, नहीं तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। बचाओ बचाओ बचाओ। कलाई मत डीआईजी साहब, सिर्फ चाकू दिखाया था इसीलिए आवाज बंद हो गई। तो काम की बातें करें, डॉक्टर साहब को आप कब और कहां मेरे हवाले कर रहे हैं? वक्त और जगह मैं बताऊं या आप बताएंगे? देखो डेविड, तुम हमारे हाथ से बच तो सकते नहीं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना। देखिए, इस समय मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। आपको डॉक्टर की जान प्यारी है या अपनी बेटी की? पुलिस वाले रिश्ते नाते प्यार ममता की परवाह नहीं करते डेविड। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं समझूंगा कि यह मेरी बदकिस्मती है, लेकिन डॉक्टर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करूंगा। सर एक नो, तुम जो करना चाहो कर सकते हो।
एक्सक्यूज मी सर, आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी सर। हमें एक चांस लेना चाहिए था सर, ये तो मालूम कर लेना चाहिए था कि वो डॉक्टर को किस जगह ले जाने के लिए कहने वाला है। I'm sure कि कोई ना कोई रास्ता निकल सकता था सर। Come on now, Vijay, don't be a fool. हम पुलिस वालों ने अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविजन पर किस कदर पब्लिसिटी की थी कि हम डॉक्टर को एक ऐसी सीक्रेट जगह पर सुरक्षित रख रहे हैं जिसका किसी को कोई पता नहीं चलेगा। और मजे की बात यह है कि मुझे आए हुए यहाँ 10 मिनट नहीं हुए और वो आदमी मुझे यहाँ टेलीफोन कर रहा है। इससे साबित नहीं होता कि वो हमसे ज्यादा अकलमंद है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है? सर, नो, प्लीज नो। मैं आप लोगों पर भरोसा करके एक आदमी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, चाहे उसके लिए मुझे अपनी बेटी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। नौ बजे सर, प्लीज मुझे फोन लेने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि विनीता की वजह से तुम कोई समझौता करो। मैं कोई समझौता नहीं करने जा रहा हूं सर, मैं केवल एक पुलिस ऑफिसर के नाते अपना फर्ज अदा करने जा रहा हूं। प्लीज अपनी हैंडल केस। या पुरे थ्रू। डेविड, हम डॉक्टर को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कल सुबह तक का वक्त चाहिए। क्यों, आज का दिन अच्छा नहीं है क्या मिस्टर विजय? मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अकलमंद पुलिस अफसर हो। मुझसे बात करते वक्त फोन पर तुमने लोकल ट्रेन की आवाज सुनी होगी और अपने आदमियों को मुझे पकड़ने के लिए रेलवे लाइन के आसपास भेज दिया होगा। तुम बेवकूफ हो, क्योंकि उस ट्रेन का ड्राइवर मैं था। लो, फिर से ट्रेन चलाता हूं, सुनो। सुन लिया, अब एक और बात सुन लो। आज रात को 12 बजे के अंदर अंदर तुमने डॉक्टर को जहां भी छुपा रखा है, तुम्हारी मौजूदगी में मैं उसका खून करूंगा। तुमसे हो सके तो उसे बचा लेना। सर, आपके कहते ही चर्च गेट से विरार तक, वीटी से कल्याण तक उसे तलाश करने के लिए रेलवे लाइन के आसपास मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं। वो एक दो घंटे में जरूर पकड़ा जाएगा। डेफिनेटली पकड़ा जाएगा साहब। सुनिए, देखिए, आप तो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं। आपने तो जिंदगी में सब कुछ देख लिया, लेकिन मैं तो अभी बच्ची हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं देखा। मुझे शादी करनी है, सौगात देखनी है, 10-12 बच्चों की माँ बनना है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे रुको प्लीज, मैं बोलते चली जा रही हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो। मुझे यहाँ बांधकर कहाँ जा रहे हो तुम? इट्स टू हॉट, ये बहुत गर्मी लग रही है। मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। क्या खाओगी जी? क्या खाओगी? चिकन बर्गर, वेजिटेबल पिज्जा, मटन कटलेट, फिश फिंगर एंड चिप्स, 1 स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक एंड आइसक्रीम चाहिए। चले गए, आइसक्रीम नहीं मिलेगी। ठीक है, जो मिलेगा वो खा लूंगी। होटल के टेरेस पे सिपाही काम है, 8-10 और भेज दो। राइट सर। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ विजय, ये जो रूम में सर्विस करते हैं वेटर्स, yes, उनको हमारे सिपाही कैसे पहचानेंगे? सर, उनको आइडेंटी कार्ड दे दिए। दैट्स वेरी गुड। देखिए, आप पार्किंग लॉट में नीचे जाइए जी, ड्राइवर्स के अलावा और जितने लोग हैं उन्हें बाहर कर दीजिए, और 4-5 कांस्टेबल और लगा दीजिएगा। ओके सर। ये स्टेकेस पे कितने लोग लगाए? 10 आदमी लगाए सर। ठीक है, आप लिफ्ट के पास रहिए। ओके सर। योर कार्ड प्लीज। जस्ट अ मिनट सर। ओके ओके, यू कैन गो। Thank you.
देख भाई शिंदे, हम चाहे कितना भी इंतजाम कर लें, डेविड छोड़ेगा नहीं, डॉक्टर जरूर मरेगा। आईजी साहब और विजय साहब दोनों की नौकरी तो गई। Ha ha ha!
ये कौन है? ये कौन है? एक जवान लड़की, जब एक लड़के का फोटो सीने से लगाए हुए है, इसका मतलब है वो उससे शादी करना चाहती है। कितना मेरी समझते हो तुम? पुलिस वाले, लेकिन आज तक उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती करती थी, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा तक नहीं, उल्टा प्यार किया है। और ये कितने गुस्से वाले, ये मुंह से नहीं हाथ से बात करते, हाथ से। लेकिन इन्होंने भी मुझे कभी, और ये खून इस बुढ़िया ने, नहीं आप बुढ़ी नहीं है बेटी। बेटी लो खून पहुंच लो। नहीं आपने पूछ लिया, बस इतने काफी, बस। दुख रहा है, मैंने भी आपको मारा ना, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं मैंने तो जोर से मारा था। तुमने कहा था तुम्हें भूख लगी थी ना, ये मेरे लिए है। मैं तो समझी थी आप मजाक कर रही हैं, इसका मतलब है आपके पास भी दिल है। थैंक यू। आप मुझे यहाँ कितने दिन रखेंगे? जब तक तुम ये खाने लेती तब तक। मैं घर जाके खा लूँ? यहीं खा लो बेटी। नहीं मैं घर जाके खा लूंगी। हाँ चलो। आप मुझे बाहर ले जाके मार तो नहीं डालेंगे ना? हाँ। नहीं बेटी आओ। चलिए रात बात हो गई है, रास्ता सुनसान है, इसे अपने पास रख लो। आप अचानक बदल कैसे गए? ये मेरी समझ में नहीं आया। कुछ समझने की कोशिश मत करो, हमारी मुलाकात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंकल आप मुझे आजाद कर रहे हैं, घर पहुंचते ही डैडी विजय पूछेंगे कि आप मुझे कहां ले गए थे, कहां छुपा के रखा था। मैं आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? बोलिए अंकल आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? फर्ज करो भगवान न करे तुम्हारे साथ कोई बलात्कार करे तो तुम क्या करोगे? जवाब दो विनीता पूछने की वजह क्या करोगे तुम? हो सका तो मैं उसे जान से मार डालूंगी, और ना हो सका तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या तो मेरी बीवी कर चुकी है, मार डालने का फर्ज मैं पूरा कर रहा हूं। अगर तुम समझो कि जो मैं कर रहा हूं वो जायज है तो घर जाकर उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। बिल्कुल नहीं सर, वो एक खूनी है, उसे गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, मुझ में और उसमें एक पुलिस अफसर और एक कातिल के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मुझे बचाने के लिए जब उसने रस्सी फेंकी तो मुझे भी इतना ही ताज्जुब हुआ जितना आपको हुआ।
डोंट गेट एक्साइटेड विजय। उसने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुम उसके जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे हो। डेविड के मुकदमे की यह फाइल तुम्ही ने मुझे दी थी। हमने आज तक सिर्फ उन गवाहों पर गौर किया जिन्होंने डेविड के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन आज सुबह अपने घर में मैं जब दोबारा इस फाइल को देख रहा था तो मेरा ध्यान अचानक एक ऐसे गवाह पर गया जिसने डेविड के पक्ष में गवाही दी थी, और वो थे देसी शराब के व्यापारी महेश शेंडेलिया, यानी के तुम्हारे पिता। एक बात और, जेल से निकलते ही डेविड ने तुम्हारे पिता के बारे में पूछताछ की, उन्हें ढूंढ निकाला और उनसे जाकर तुम्हारे घर में मिला। एक रिटायर्ड तहसीलदार इस बात का चश्मदीद गवाह है। मैं समझ गया सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम गंडकी बनाए हैं। सुनो विजय, यह ना भूलना कि तुम अपने पिता पर नहीं महेश शंडेलिया पर नजर रखोगे। यस सर। बेबी बेबी बेबी, तू आ गई, तू ठीक ठाक तो है ना? डेविड ने तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं दिया? वो मेरे डैडी और आपकी बेटे की तरह बेदिल इंसान नहीं है। उन्होंने तो मुझे उनके पास मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन डेविड ने मेरी हिफाजत के लिए पिस्तौल देकर मुझे वापस भेज दिया। वो बहुत अच्छे आदमी है, बिल्कुल देवता है। करेक्ट, वो बहुत भला आदमी है, अपन को बहुत पहले से मालूम है। आज तेरे को भी मालूम पड़ गया, बाकी कोई उसको बराबर समझाइच नहीं है। अच्छा मारो गोली, तू ये बता, तू क्या पिएगी, गरम या ठंड? ऐसी क्यों दिख रही है? डेविड भला आदमी है, आपको कैसे मालूम? तेरे को सही सलामत वापस भेज दिया ना, उसी लिए बोला मैं। वापस तो आज भेजा है, लेकिन आपने तो कहा था कि वो आपको पहले से मालूम है। ऐसा बोला मैं? हाँ। तूने तो चक्कर में डाल दिया अपन को। टालने की कोशिश मत कीजिए अंकल, डेविड से आपका क्या संबंध है? रहने दो, और कुछ मत पूछना, एक बार फंसा तो बार बार फंसूंगा, मैं चलता हूँ। अंकल। बेबी, अरे मेरे बाप, इसको भी इसी टाइम पर आना था। देख बेबी, ये अपन के आपस की बात है, बाद में कर लेंगे। और सुन, विजय डेविड के बारे में कुछ पूछे तो उसे कुछ मत बताना, बिल्कुल चुप रहना, ऐसे ओके? अरे मेरे लाल, मेरे बेटे, कैसा है तू? और तू सुना क्या? विनीता, विनीता, ये बेचारी उस खूनी के हाथों से बचकर अभी अभी सीधी इधर ही चाहिए है, एकदम घबराई ली है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, बस डैडी 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 बोले जा रही है। चल बेटी, मैं तुझे घर छोड़ाऊं। तुम यहां कैसे पहुंची विनीता? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां कैसे पहुंची? मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। एक खूनी ने मुझे रात भर कैद करके रखा, डैडी ने और तुमने मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, उल्टा मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और अब जब मैं खुद आ गई हूं तो ये नहीं पूछा कैसी हो, ये पूछ रहे हो यहां कैसे पहुंची। रात को आपको बचाने की कोशिश नहीं की, बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप बताइए यहां कैसे पहुंची? अरे विजय, मैंने बोला था ना, ये उस डेविड को चकमा देकर भाग आई है। सारी पुलिस फोर्स को उसने पानी पिला के रखा हुआ, ये उसे चकमा देंगी? अच्छा, तो ऐसा समझ लो कि वो खुद इसे यहाँ छोड़ गया है। बेबी सही सलामत घर पहुंच गई, आप उनको और क्या चाहिए? हा? आप थोड़ी देर के लिए खामोश आएंगे। देखो विनीता, तुम अच्छी तरह जानती हो, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत से ज्यादा मुझे मेरी ड्यूटी प्यारी। एक बार पहले भी तुम्हारे बचपने की वजह से मेरी काफी बदनामी हो चुकी है, अब तो मेरी मदद करो उस धब्बे को मिटाने के लिए। डेविड ने तुम्हें कहां छुपा के रखा था, बोलो? बहुत गर्मी है,
पंखा पंखा चला दूं। देखो विनीता, तुम्हारा सही जवाब किसी की जान बचा सकता है। प्लीज बताओ डेविड ने तुम्हें कहां छुपा कर रखा था? इस भूखी प्यासी लड़की से सवाल पे सवाल किए जा। महेश, महेश, ना डैडी ना पिताजी ना बापू, सीधे नाम ले रहे हो तुम मेरे बेटे हो बेटा। इस समय मैं एक पुलिस अफसर हूं, आप जाइए यहां से, चले जाइए। चलो बोलो विनीता, कहां ले गया था तुम्हें, कहां छुपा के रखा था तुम्हें? मुझे मालूम नहीं, वो मुझे जहां भी ले गया आंखों पर पट्टी बांध कर ले गया, और वापस छोड़ते वक्त भी पट्टी बंधी हुई थी। तुम झूठ बोल रही हो विनीता, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी हो या ना बांधी हो, लेकिन इस वक्त तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला कर लिया, एंड दैट इज ए फैक्ट। शुक्र है बलाठली, बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। शुक्र है, आप तो डर गया था कि उसकी धांस धपड़ में आकर तुम उसको असली बात ना बता दो, मगर क्या कमाल का एक्टिंग किया तुमने। वाह, मैंने तो एक्टिंग किया था, लेकिन अब आप मेरे सामने एक्टिंग मत करना। सच सच बताइए अंकल, डेविड कौन है? अरे फंस गया रे। बताइए अंकल। डेविड, डेविड, डेविड अपुन का बेटा नहीं है। क्या बक रहे हैं आप? बक रहा हूं? हाँ, अपुन अभी एक ही पैक पिया ना, इसलिए शायद बक रहा हूं। दूसरा पैक पिएगा तो बराबर बोलूंगा। अंकल प्लीज प्लीज। अब अपुन बराबर बात बोलेगा। वो तुम्हारा प्रेमी विजय है ना, वो अपुन का बेटा नहीं है, डेविड का बेटा। उसने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुम उसके जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे हो। एक बात और, जेल से निकलते ही डेविड ने तुम्हारे पिता के बारे में पूछताछ की, उन्हें ढूंढ निकाला और उनसे जाकर तुम्हारे घर में मिला। श्रीमान विजय साहब, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब लगभग इस हत्यारे डेविड के जैसे ही दिखाई देंगे। हेलो, अरे बाबा ये फायर स्टेशन नहीं है? सब साला अपुन के पीछे पड़ेला। डेविड, तू साला तू पागल है ना? ये कोई टाइम है इधर आने का? अभी विजय आता होगा, आएगा तो तेरे से पहले अपन को ठाए कर देगा। इधर काय को आया है? अरे बोल भाई। देख भाई, तेरे को भले अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन विजय के लिए तो उसकी इज्जत का सवाल है। जरा सोच, विजय एक नामी पुलिस ऑफिसर है, उसके लिए तो डूब मरने वाली बात होगी जब उसको पता चलेगा कि जिसने उसको पाला पोसा वो महेश चंडीला उसका बाप नहीं है, उसका बाप तू है। समझ ले, उसको अपने बाप के राज का पता चल गया, फिर वो अपनी मां के बारे में पूछेगा तो उसे दूसरा राज भी बताना पड़ेगा। क्या तू अपने सगे बेटे को बता सकेगा कि उसकी मां की मौत की वजह ये थी कि उसको उसको रेप किया गया था? और जब उसे पता लगेगा कि वो आज तक अपनी मां के रेप करने वाले और अपने बाप को जेल भेजने वाले हरामियों की हिफाजत कर रहा था, तो उसे कितना बड़ा धक्का लगेगा। देख डेविड, विजय अपुन का बेटा नहीं है, पर अपुन ने उसको अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार देके पाला है, और वो भी अपुन को ढेर सारा प्यार करता है। अगर उसको ये सारा कड़वा बात मालूम हो गया तो अपन को छोड़ के चला जाएगा। मैं दरवाजा खोलता हूं, तू विजय के आने से पहले यहां से भाग जा। आ!
डेविड, पुलिस इधर से नहीं जाने का, मैं दूसरा दरवाजा खोलता हूं, तू यहां से निकल जा डेविड। डेविड, अरे डेविड तू किधर को, तू काहे को रोता है? हाँ करेक्ट, समझ गया, अब उनका बात सुनकर तेरा मन बदल गया है, तू सुधर गया है ना, तू विजय के अच्छे भविष्य के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है, बरोबर ना? अरे तू फिकर नहीं कर, कल का बात कुछ और था, कल तेरे फ्रेंड का खीसा खाली था, लेकिन आज अपन के पास माल है, अपन जम के तेरा मुकदमा लड़ेगा, तू इधर ही रुक, अपन पुलिस वाले से बात करके आता है। प्लीज कम इन। दारोगा साहब, तुम डेविड को गिरफ्तार नहीं कर रहे, वो खुद अपने आप को कानून के हवाले कर रहा है, इसलिए उसके साथ शराफत का बर्ताव करने का, और ये बात अपन के बेटे विजय को भी बोल देना, ओके? हाथ मिलाने की क्या जरूरत है, एक पुलिस ऑफिसर का बाप होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। ये क्या है? मुझे इनके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी थी, फिर भी दो खून होने तक तुमने पुलिस को कोई खबर नहीं दी, इसकी पूछताछ करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन गवाह को क्यों पकड़ते, मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ते? मुजरिम वो सलीम साहब, एक मिनट, अपुन अपन के बेटे नहीं, इंस्पेक्टर विजय से एक मिनट के लिए बात करने का है। अपुन तेरे को इतना प्यार किया कि अपुन का दिल खाली हो गया और तू अपुन के साथ ये नाटक किया। सारा बुजुर्ग लोग ठीक ही बोलता था, अपना बेटा अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। थैंक यू वेरी मच। जब आपको मालूम पड़ा कि मैं कौन हूं तो आपने मुझे यहां से जाने दिया, आज जब मुझे पता चला कि आप कौन हैं, तो मैं यहां चली आई। आपके पुराने दोस्त महेश शंडेलिया ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। शादी के मंडप में ससुर होने के नाते आप मुझे आशीर्वाद दें, या आपकी बहू होने के नाते मैं आपको अपने घर बुला के खाना खिलाऊं, ये शायद भाग्य में नहीं है, इसलिए आज खाना लेकर आई हूं। आइए खाना खा लीजिए। आपके दुखों ने शायद आपकी भूख मिटा दी हो, फिर भी मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज, मेरे लिए। विजय तुम क्या समझते हो, अगर तुमने इस्तीफा दे दिया तो क्या कोई दूसरा ऑफिसर तुम्हारे पिता को गिरफ्तार नहीं करेगा? अगर मेरे पिता को ही गिरफ्तार करने की बात होती तो मैं ये इस्तीफा कभी नहीं देता सर, मैं अब भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूं, मगर उस दरिंदे की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं जिसने मेरी मां के साथ बलात्कार किया। उनका पति होने के नाते मेरे पिता ने दो शैतानों से बदला तो ले लिया, अब मैं बेटा होने के नाते उस तीसरे से बदला लूंगा। डोंट बी अ फूल, एक जिम्मेदार ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो? सच्चे पुलिस ऑफिसर को रिश्ते नातों से ड्यूटी ज्यादा प्यारी होती है, ये तुम खुद जानते हो।
हाँ मैं जानता हूं सर, लेकिन पुलिस अफसर होने का मतलब यह तो नहीं है कि जिस कोख से मैंने जन्म लिया उस मां पर किए गए अत्याचार को भूल जाऊं या उन जुल्मों को भूल जाऊं जो कानून के नाम पर मेरे बेगुनाह बाप पर किए गए। ये तो मेरे कोई नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। माता और पिता दोनों का प्यार मिला मुझे और मैंने इन्हें क्या दिया? ड्यूटी के नाम पर थोका। औलाद तो माता पिता के मरने के बाद उनकी चिता को आग लगाती है सर, मैंने तो इस नेक इंसान को गिरफ्तार करके जीते जी इनके प्यार को जला दिया। नो सर, कानून की हिफाजत करने की बेवकूफी में पढ़कर मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहता। यू आर रॉन्ग विजय, एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी एक की गलती की वजह से सारे डिपार्टमेंट को बदनाम किया जाए यह बात तो ठीक नहीं। भारत का जिक्र आने पर गांधी जी की मिसाल दी जाती है, गोडसे की नहीं। देखो विजय, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस वालों के दिल नहीं होना चाहिए, जज्बात नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें अपने दिल और जज्बात जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, जनता से बदला लेने के लिए नहीं। अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे सर पर पहनने का गौरव सिर्फ देश की रक्षा करने वाले जवान और कानून की रक्षा करने वाले सिपाही को हासिल है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी यह गौरव हासिल है। तुम्हारे नाम पे लगा हुआ कलंक मैं मिटा नहीं सका, शायद तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हें मुझ जैसे बेटा मिला, लेकिन ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें बेहद प्यार करने वाला, तुम्हारे नाम की माला जपने वाला पति मिला। मुझे अपने डैडी पर बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है मुझे उन पर, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है, मुझे माफ कर दो मां, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। खुशियां तो इंसान हर किसी के साथ बांट सकता है, लेकिन अपने दुखों से अपने दिल के अंदर ही रखने पड़ते हैं। यही वजह थी कि आज तक मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं अपने दुख तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहता था। खैर, अच्छा हुआ आज तुम यहां आ गए। शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन आज तुम्हारी मां की बरसी है। चलो बाप बेटे मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आओ पहले प्रार्थना कर लें, कहना सुनना तो बाद में होता रहेगा।
प्रार्थना करना जरूरी है, कैसे की जाए जरूरी नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी के आखिरी रास्ते पर पहुंच चुका हूं। मुझे अपना किसी की मदद की जरूरत है, न दुआ की, लेकिन तेरे बेटे के सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए तुम अपनी सारी दुआएं इसे दे दो, इसे जरूरत पड़ेगी। देखो वहां से तुम्हें यह छेद दिख रहा होगा, लेकिन यहां से मुझे यह नौ दिखता है। यह फर्क इसलिए है क्योंकि तुम इसे अपनी जगह से देख रहे हो और मैं अपनी। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस हमारे देखने का नजरिया अलग अलग है। हम दोनों के बीच ये फर्क सारी जिंदगी बना रहेगा, इसलिए तुम वही करो जो तुम अपना फर्ज समझते हो और मैं वही करूंगा जो मैं अपना धर्म समझता हूं। अगर मैं जीता तो तुम्हें अपने पिता पर गर्व होगा, लेकिन कहीं अगर तुम जीत गए तो मुझे भी अपने बेटे पर गर्व होगा, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर बेटे, मैं जानता ऐसा होगा नहीं। जैसे मैंने सिर्फ आपका बेटा होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर होते हुए भी मैं मानता हूं कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसलिए बचे हुए गुनहगार को जो सजा आप देना चाहते हैं वो सजा मैं उसे कानूनन दिलवाने के लिए तैयार हूं। सॉरी माई सन, आज तक तुम्हारे जिस कानून ने उन मुजरिमों को आजाद छोड़ रखा था वो कानून आज सजा देने की बात कर रहा है। माफ करना, लेकिन मेरे लिए ये बातें कोई माने नहीं रखती। इसलिए बेटे, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी सजा का फैसला मैं खुद ही कर लूंगा। मिस्टर डेविड, एक पुलिस अफसर होने के नाते हाथ में आवे मुजरिम को बच के जाने का मौका मैं नहीं दे सकता। अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। सन, सच्चा बहादुर वही होता है जो तूफानी समुद्र के बीच में जाकर के मछली पकड़ने का चाल फेंकता है, किनारे बैठकर पानी में कांटा डाले मछली के फंसने का इंतजार करने वाले को बहादुर नहीं कहते। अगर तुम सच्चे बहादुर हो तो मेरे अड्डे पर आकर मुझे गिरफ्तार करो, और अगर नहीं तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने वाला नहीं हूं। मैं यहां से जा रहा हूं,
तुम चाहो तो पीठ पर गोली मारकर सारे इनाम सारी शौहरत कमा सकते हो। मुजरिम को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर कहीं भी गोली चला सकता है, उसके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं कि मुजरिम के बदन के किस हिस्से पे वो गोली चलाए। आप उससे शराफत की उम्मीद कभी मत कीजिएगा। पुलिस वालों से बचने के लिए मुजरिम उनका खून भी कर सकता है, उससे भी तुम लोगों को किसी किस्म की रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन जिस मां ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा वो यहां सो रही है और उसके सामने मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन याद रखना, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मां हर जगह नहीं होने वाली। पुराने वादे भूल जाओ विजय, और ये याद रखो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर। स्वागत है नेताजी, स्वागत है। आपकी जान खतरे में है, ये देखिए। अरे ये क्या है, ये सब क्यों दिखा रहे हो बेवकूफ? अरे मेरी जान खतरे में है तो ये स्वागत समारोह क्यों किया जा रहा है? किसने बंदोबस्त किया इसका? नेताजी यही तो वक्त है आपको अपनी बहादुरी दिखाने का। अरे बेवकूफ चतुर्वेदी, क्या कर रहे हैं आप? आपकी सुरक्षा का पूरा पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे छोड़िए डीआईजी साहब, आपके अपने हेडक्वार्टर में आकर इसी डेविड ने आपके एसपी को मार डाला और आप कुछ नहीं कर सके, और आप मुझे क्या बचाएंगे? मैं चला अमेरिका। अगर आप अमेरिका चले गए तो पार्टी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, जनता कुछ का कुछ बोलेगी। नेताजी मैं नेता नहीं हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई जनता भी नहीं है, ये देश भी मेरा नहीं है, मैं चला। मिस्टर चतुर्वेदी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हमने आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। अरे भाई बुलेट प्रूफ जैकेट तो यहाँ तक होगा, यहाँ यहाँ गोली मारी तो क्या करूंगा मैं चला। नेताजी बहुत दो सिकंदर चतुर्वेदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आप भागे जा रहे हैं। जाता हूँ नेताजी। हाँ मैं बोलता हूँ, मैं चला जाऊंगा। मैं
सारे मैन होस पर पैरे बिठा दिए हैं। हमारे हाथ से बचकर वो जा नहीं सकता। आप ऐसा कीजिए, पुलिस की गाली में घर चले जाइए। नहीं 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 नहीं, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। हाँ, तुम्हारे पुलिस वालों से कह दो कि मुझे चारों तरफ से ढक ले। पुलिस ऑफिसर की हैसियत से कह रहा हूं, बार बार उसके सामने जाकर अपनी जान को खतरे में मत डालो। आप चुप रहेंगे? मैं चाहता हूं उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाए, इसलिए बार बार सामने जाता हूं। ओह वेरी गुड, आप बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। शाबाश विजय, शाबाश। तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अभी अभी मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि ये खूनी तुम्हारा बाप है। तुमने अपने जज्बातों की परवाह नहीं की और बड़ी खूबी से अपना फर्ज अदा किया। वाह 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 वाह, यू आर रियली अ ग्रेट।
क्यों डीआईजी साहब, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ठीक कह रहा हूँ ना विजय? मैं सरकार से सिफारिश करके तुम्हें सुवर्ण पदक दिलवाऊंगा। भाइयों और बहनों, ये डेविड जो यहाँ मरा पड़ा है, एक भयानक हत्यारा था, बहुत बड़ा मुजरिम था, देश के नाम पर कलंक था। जिस तरह रावण के मरने के दिन हम दशहरे का त्योहार मनाते हैं, उसी तरह इस राक्षस के मरने के दिन हम त्योहार मनाएंगे। और जीता तो तुम्हें अपनी आजा तुझे मैं सुनाऊं कहानी, ये अजीब है, बोलने पे आऊं ये तो दिल के करीब। वो याद सारे पल मुझे बोला जो गरीब, ना बोला उन बातों को जो दिल के करीब। कैसे किसे मैं सुनाऊं, जैसे आगे आगे बढ़ता था, दिन भर खुद से ही लड़ता था। आंखों में थे आंसू, दिल में जज्बात, सोया नहीं कभी मैं तो रोया पूरी रात। वो रातों की बातें तुम्हें किससे मैं सुनाऊं, हाथों में ब्लेड और काटता मैं जाऊं। ऐसे रोता मैं जाऊं खुद ही से खुद में खोता मैं जाऊं। बात स्ट्रगल की करूं तो मंजिल बड़ी दूर है, दिल में है सपने, आंखों में गुरूर। पूरे करने हैं सपने जो देखे मैंने रातों में, ऐसे नहीं आता किसी की भी बातों में। लिखूं मैं स्ट्रेट, देखो कलम मेरी राइट, ऐसे चलता मेरा होगा फ्यूचर मेरा ब्राइट। काफी लोग आए थे तो कर गए है चीट, दे फॉर गेट, देखो केवी ऑन द बीट। चीट है तू करता, तेरी ऐसी सोच, अबे थोड़ी बुद्धि वाले, तेरी बुद्धि में ही मोच। चीट है तू करता, तेरी ऐसी सोच, चबे थोड़ी बुद्धि वाले, तेरी बुद्धि में ही मौज। सहारा की बस्ती में गैरों की जाता ना अपनी ही मस्ती में मस्त, मला अंग रात गवाह है मैं कहता हूँ तंग। सर तेरे लड़के हम मुझे मर्जी के मालिक है, मालिक है हम, लेकिन तेरी उम्र से भी ज्यादा ये तो जुर्बा। बेपरवाह मैं करूँ बेपरदा जज्बातों को बीट पे, मैं रूठा सा शख्स इस दुनिया से, जो दिखे मुझे आईने में वो जानी मेरा दुश्मन है। मुखलिस है, गाफिल है, सबसे दूर है अंधेरे में, क्योंकि दुनिया से वाकिफ है। मुखलिस बेशक पर जाने जानी तू, मुखलिसी में भी दर्द है ना, मौसीकी ही मेरे मग्ज का ये मर्ज है ना। हालातों में था टूटा लगे मौत की अजीज, ये कोई लफ्ज नहीं है, ये तो दर्द है ना, ये तो दर्द है ना। अकेला था ना ही धकेला ही रहा, दुनिया के मेले से परे ही रहा। मन मोजी करता हूँ मन की, बोले क्यों सिंह की गैर की, छोड़ो साली मेरी तो भाई खुद से ना बनती। हाँ साली मेरी तो भाई खुद से ना बनती। उम्र थी छोटी लेकिन सपने मेरे बड़े थे, एक टाइम था जब मौत से भी लड़े थे हम खड़े थे। जिन राहों में काटे थे मेरे पाँव में अफवाहों में, भरोसा करते लोग क्यों, मैं जो नहीं हूँ दिखता उनको वो क्यों। हाँ वफा की उम्मीदें लगाए बैठे थे हम, जिनसे दगे बाज थे वो लोग न जाने कब से। पर जब से असलियत से सामना हुआ कसम से, वो कहते पता नहीं कुछ, कहने को बचा नहीं कुछ, पीने में नशा नहीं कुछ। हाँ कभी विस्की कभी वाइन पिया, पीके भी राइम किया, कला को टाइम दिया मैंने किया हसल। पाँच साल घिसी कलम फिर भी लगता मुझे वैक लिख रहा, रात को गाना लिखूं सुबह देखा ट्रैश लग रहा। कभी मैं ओल्ड स्कूल कभी कभी रैप कर रहा, घर वाले पूछे मुझसे इतनी पढ़ाई के बाद भी मैं क्यों रैप कर रहा। मैं तलहानी पर फक दिस रैप शिट, मैंने सोचा कई बार लोग ताने रहते मार, तो मैं लगा रहा नहीं मानी हार, सबके सवालों का जवाब बने मेरे बार। 24 घंटे मेरे साथ मेरे यार, हाँ बंदी के साथ में डेट वेट का शौक नहीं है, यारों के साथ ठंडी
बियर वाली पेटी और मोमोज वाली प्लेट चाहिए। हेट नहीं है किसी से, अब मेरी कोई डिबेट नहीं है। पर ये जो आजकल के लड़के रेफरेंसेस और मेटाफर्स यूज कर रहे घोस्ट राइट के सहारे, इन चूतियों को बोलो पहले राइम तो करा ले, वर्ड्स को बीट के साथ तो बिठा ले। साले मंबल कर रहे और मंबल में भी ये तो फंबल कर रहे, वर्ड्स इनके सुन के लगता गानों में ये कत्ल कर रहे। घर पे इनके रफल नहीं है, इसको कहते सफलता तो होना मुझे सफल नहीं है। ये लड़के फेक फ्लैक्स कर रहे और मैं लिखता हूँ बस फैक्ट्स ब्रो, ये रैप वाली केमिस्ट्री में ईथर वाला नाश ब्रो, सबकी नजरें मुझ पे क्योंकि बंदा हूँ मैं पाक ब्रो। माँ के पेट में सीखा नहीं था हिप हॉप मैंने, जब मैं घिस रहा था कलम तो टिकटॉक पर थे, जिंदगी टिकी मेरी कलम वाली नोक पर है। 5 साल से माइंड पे हम तो ग्राइंड कर रहे, गानों में गाली देता लोग सुन के माइंड कर रहे, हर एक वर्ष के बाद ये अक्सर साइन कर रहे। हाँ 6-9 सुन के लड़के गैंग साइन कर रहे, टूटी फूटी राइम कर रहे, हम रियल टॉक कर रहे, लोंडे लगे तोड़ में और हम तो देखो वॉक कर रहे। हाँ तुम रेस में लगो मैं मैराथन का खिलाड़ी, तुम बांध दो लेस में पैराकोन का खिलाड़ी, लड़का हूँ मैं राजस्थानी मेरे यार है पहाड़ी, पिंक सिटी मेरी पर मुझे पसंद काली हुडी काली गड्डी वाले गुची, नो द बूटी और ना गुची गैंग, तुम सुनो पंप मैं बजाता वू टैंग, गुची मैन ब्लड गैंग फर्क समझ थोड़ा लाला, कड़क माल फूके काला दिल और काली रात में बैठ के लिखू वर्षा। एक्स भी टैक्स करे पर मैं करूँ ना रिप्लाई, कई बीत गए बरस तरस, खाता नहीं है बात आनी है किसी का भी होना अमल लोना पसंद है मुझे, अंधेरा कमरा और एक कोना रोना भूल गया, नशे में अब झूम गया रूल नया मेरा, अब मैं रात दिन बस लिखू गाने काम से ना है बहाने। लाइमलाइट और हाइप का शौक नहीं, कोई होप नहीं किसी से, खुद को बीट कर रही खुद ही से, अब लॉस नहीं किसी से। हाँ बुरे हालातों में जो साथ छोड़ा उनका हाथ ना दोबारा पकड़ा, भले कितना करीबी घंटा फर्क नहीं पड़ता, बंदे का दिल ही मैटर करता, दिन नहीं मैटर करता, बुरा या सही वक्त के भी दो ही पहलू होते, हम हार भी गए तो बैठ के कभी नहीं रोते, फसल बर्बाद हो तो फिर से नए बीज बोते, ये जिंदगी मिली है एक बार हाँ मुस्कुरा के जीते, कभी जो याद तेरी आए हम शराब पीते, शाही में भर के दर्द पन्नों में उकेर देते, माँ मेरी सोचती है लड़का कुछ कलम क्यों रोती, कभी कभी मैं अपने आप को समझता एक पनौती। हाँ जब रिश्तेदार माँ से पूछते बेटा कितने कमाता, झुक जाता सर मेरा शर्म से शर्मसार होके, मैं कलमकार बना प्यार लुटाया बहुत पर मेरी पारी आने पे मैं लाचार बना, मासूम चेहरे वाले लोगों का शिकार बना, पर देर से सही मैं समझ गया, शक्ल पे जाना नहीं नकाब पोश, हर तरफ कई बरस बीत गए, बात की है तुझसे लेकिन आज भी वो खंजर मेरी पीठ पे जो मारा तूने डीप पहुंच गया दिल के पार तक, किस पे करूं एतबार अब रिश्ते भी शर्मसार किए तूने कई बार, प्यार के नाम पे लिखूं गीत में हकीकत कोई शक नहीं, मेहनत काम आती बेटा कोई लक नहीं, लाइफ टाइम साथ खड़ा कोई शख्स नहीं, आज बुरा कल तेरा वक्त सही। करे आना घर बैठ भील सोनिए, लोका कोलो साडे मारे गल्ला सुन के, रखिया तू करनी समाइल मुखते, रोया ना तू करे एवें गल्ला सुन के, करे आना घर बैठ भील सोनिए, लोका कोलो साडे मारे गल्ला सुन के, रखिया तू करनी समाइल मुखते, रोया ना तू करे एवें गल्ला सुन के, एक दिन सारा नू वखा तू जित के, एक दिन सारा नू वखा तू जित के, सर पापियां दा हत्थ नाल तू होवेगी, पापियां दा हत्थ नाल तू होवेगी, दऊं खुशियां मैं नी तैनू मेरी मिठीए, जिंदगी च कदे भी ना तू रोवेगी, दऊं खुशियां मैं नी तैनू मेरी मिठीए, जिंदगी च कदे भी ना तू रोवेगी। गल्लां ते यकीन करके कदे ना तू सोनिए हां मेरे ना लड़ी, प्यार तेनू करदा हां सोनिए बतेरा, कदे भी ना मेरे उत्ते शक तू करी, बाकी तां मैं सांभ लूंगा आपे सोनिए, बाकी तां मैं सांभ लूंगा आपे सोनिए, सोच सोच सोचा विच खुशी होवेगी, सोच सोच सोचा विच खुशी होवेगी, दऊं खुशियां मैं नी तेनू मेरी मिठीए, जिंदगी च कदे भी ना तू रोवेगी, दऊं खुशियां मैं नी तेनू कदी भी ना तू रोवेगी। प्यार मेरा सच्चा है नी तेरे लई सोने, कदी भी ना तेनू हां मैं चीट करूंगा, मंगला भी जेड़ा तेनू चाहिदा गे, तेरी हर पूरी नी मैं नीड करूंगा, तेरे बापू नू वखा दी मेरी फोटो सोनिए, बापू नू वखा दी मेरी फोटो सोनिए, ओना वल्लो मेरे लई हां होवेगी, ओना वल्लो मेरे लई हां होवेगी, दऊं खुशियां मैं नी तैनू मेरी मिठीए, जिंदगी च कदे भी ना तू रोवेगी, दऊं खुशियां मैं नी तैनू मेरी मिठीए, जिंदगी च कदे भी ना तू रोवेगी।
जोड़ी बनेगी तू मेरी तेरी मेरी जोड़ी हाँ क्यूट लगेगी बनना स्टार जदो तेरे के पीने हिटरां दे मुहां दे म्यूट बजेगी बादरां दे नां दा शोर गूंजूगा बादरां दे नां दा शोर गूंजूगा तेरे जट दी भी पूरी चढ़ाई होवेगी जट दी भी पूरी चढ़ाई होवेगी दऊं खुशियां मैं इन्नी तेनू मेरी मिठी है जिंदगी च कदे भी ना तू रोवेगी दऊं खुशियां मैं इन्नी तेनू मेरी मिठी है जिंदगी च कदे भी ना तू रोवेगी गाने नूं वध तो वध शेयर करो ते लाइक करो ते महादी ते यूट्यूब चैनल नूं सब्सक्राइब करो ते वीडियो भी असीं जल्द लेके आवांगे। आजा तुझे मैं सुनाऊं कहानी ये अजीब है बोलने पे आऊं ये तो दिल के करीब वो याद सारे पल मुझे बोला जो गरीब ना बोला उन बातों को जो दिल के करीब कैसे किसे मैं सुनाऊं जैसे आगे आगे बढ़ता था दिन भर खुद से ही लड़ता था आंखों में थे आंसू दिल में जज्बात सोया नहीं कभी मैं तो रोया पूरी रात वो रातों की बातें तुम्हें किससे मैं सुनाऊं हाथों में ब्लेड और काटता मैं जाऊं ऐसे रोता मैं जाऊं ऐसे रोता मैं जाऊं खुद ही से खुद में खोता मैं जाऊं बस स्ट्रगल की करूं तो मंजिल बड़ी दूर है दिल में है सपने आंखों में गुरूर पूरे करने हैं सपने जो देखे मैंने रातों में ऐसे नहीं आता किसी की भी बातों में लिखूं मैं स्ट्रेट देखो कलम मेरी राइट ऐसे चलता मेरा होगा फ्यूचर मेरा ब्राइट काफी लोग आए थे तो कर गए हैं चीट दे फॉरगेट देखो केवी ऑन द बीट चीट चीट है तू करता तेरी ऐसी सोच अबे थोड़ी बुद्धि वाले तेरी बुद्धि में ही मोच चीट है तू करता तेरी ऐसी सोच चबे थोड़ी बुद्धि वाले तेरी बुद्धि में ही मौज सहारा की बस्ती में गैरों की जाता ना अपनी ही मस्ती में मस्त मल अंगराते गवाह मैं कहता हूँ तंग सर तेरे लड़के मन मुझी मर्जी का मालिक है मालिक है हम लेकिन तेरी उम्र से भी ज्यादा ये तजुर्बा बेपरवाह मैं करूँ बेपरदा जज्बातों को बीट पे मैं रूठा सा शख्स इस दुनिया से जो दिखे मुझे आईने में वो जानी मेरा दुश्मन है मुखलिस है गाफिल है सबसे दूर है अंधेरे में की दुनिया से वाकिफ है मुखलिस बेशक पर जाने जानी तू मुखलिसी में भी दर्द है ना मौसीकी ही मेरे मग्ज का ये मर्ज है ना हालातों में था टूटा लगे मौत की अजीज ये कोई लफ्ज नहीं है ये तो दर्द है ना ये तो दर्द है ना अकेला था ना ही अकेला ही रहा दुनिया के मेले से परे ही रहा मन मौजी करता हूं मन की बोले क्यों सिंकी गैर की छोड़ो साली मेरी तो भाई खुद से ना बनती हां साली मेरी तो भाई खुद से ना बनती।